स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24x7 में। हमारे बीच में आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला आया है ना, जो आप हकीकत जानेंगे तो आपके ज़मीन जो है ना नीचे से गायब होने वाला है। ऐसा ही कुछ मामला मैं कहना ये चाहता हूँ, 1986 में जो व्यक्ति मर चुका है वह व्यक्ति 2004 में फिर से जीवित होता है और वो कोर्ट में अपना ज़मीन के लिए मामला दायर करता है। ऐसा ही कुछ मामला जो है इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को आइए यहाँ के जो अधिकारी है उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से आपको दूध का दूध और पानी का पानी मैं देने का चेष्टा करता हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के। मैं हो इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, क्या माजरा है थोड़ा बताइए तो हमारे दर्शकों को। माजरा ये है कि हमारा पचकुली मौजा में 5/1 जो खतियान है और बहुत साल पहले गवर्नमेंट में कायदा कानून से भेष्ट बनाया था और भेष्ट बनाने के बाद गरीब किसानों को 5-5, 6-6 बीघा करके पट्टा प्रदान करके किसानी करने के लिए दिया गया था और आज तक 60 साल से करते आ रहा है, खेती कर रहा है। लेकिन आजकल दो तीन महीना से एक यूपी के एक व्यक्ति आकर उस ज़मीन को मेरा है बोल के क्लेम कर रहा है और उन्होंने झूठा मृतक आदमी का नाम से LRTT में प्रेयर किया है कि वो मेरा ज़मीन है और मेरे को वापस मिलना चाहिए बोल के प्रेयर किया है। तो हम लोग यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि वो तो 1986 में मर चुका है, उनका मरने से पहले उन्होंने 2 बार प्रेयर किया था, डिस्ट्रिक्ट जज को प्रेयर किया था। डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका जो वेस्टिंग हुआ ज़मीन वो सही ढंग से हुआ, कानून ढंग से हुआ बोल के उसको बोल दिया है। वो अब अगला मर भी गया है, लेकिन उनका मरने के पश्चात उसका मरने उपरांत कोई थर्ड पर्सन जिसका नाम गुरमुख सिंह बोल के हमको सुनने को मिल रहा है, वो यहाँ का अमलाओं को यहाँ का अफसर को मदद लेते हुए, यहाँ का अफसर भी उनको कैसे मदद देते हैं बिना स्टडी किए, कैसे स्टडी करना चाहिए, करने के बाद उनको थ्रू चैनल जाना चाहिए, जाने के लिए बोलना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, न कि वो डायरेक्ट पुलिस का हेल्प दे के भेज के गाँव में इलाका में जाके गंडगोल करना, गर्म करना, इलाका को ये करना, ये तो हम लोग को नापसंद है। और इसलिए आज यहाँ पर उस गांव की उस खेती की जो किसानी ये है उन लोगों का जो वारिस सब है, कुछ आदमी मर गया उनका वारिस सब आज आया है कि हमारा ज़मीन को किसी ढंग से भी गलत ढंग से दूसरा का हाथ में रिकॉर्ड ना हो उनको बताने के लिए हम यहाँ पर आया है। इसके लिए आप प्रशासन से बताएं फिर कि क्या वो अगला स्टेप ले रहे हैं, क्या आपको आश्वासन? हाँ, अभी आज मैंने बाकायदा एकदम लिखित डेपुटेशन दिया हूँ, उनका जो कहना है उन्होंने जो जो मेरे को बोला है और वहाँ जो फिजिकल जो घटना है उनको मैं लिख कर उनको बताया हूँ कि वो आदमी मर चुका है, उनका जगह में कोई फेक आदमी जालियाती आदमी मरा हुआ आदमी का नाम साइन देकर कोर्ट में जो प्रयास कर वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी हो सकता है, तो उनको प्रशासन को देखना चाहिए। हमारा कहना ये है और जनता को उनका ज़मीन पर इत्मीनान से आराम से काम करने का मौका होना चाहिए। ये गुरमीत सिंह जो है 1986 में उनको दिखाया जा रहा है, जैसे कि पता चला सूत्रों के हवाले से yes, yes. कि 86 में वो मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं सर्टिफिकेट है, और 2004 में फिर वो जीवित होकर के कोर्ट में शायद अपना वो दावा पेश कर रहा है कि मैं मेरा जमीन रिटर्न पाना चाहता हूँ। जी जी, प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिए लास्ट में? मैं प्रशासन को बोल दिया हूँ ये आप टोटल इनपार्शियलिटी करके आपको छानबीन करके रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट गलत नहीं होना चाहिए, उनका फेवर में नहीं होना चाहिए, मैं उनको सूचना दिया हूँ और चेतावनी दे के दिया। ये कहाँ का मामला है? ये हमारा इस ब्लॉक का, ये माटीग्राम प्रशासनिक ब्लॉक का अंडर में पचकुली मौजा है वहाँ का। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं दिला साहिब माटीग्राम पंचायत समिति का खाद्य कर्माध्यक्ष और पार्टी में मैं ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी। ये इन्हीं सभी का ये माजरा है, मामला है, दादू जमी। अच्छा अच्छा, किसान का वारिस सब है, उसका गार्जियन मर चुका है, वारिस सब आया।